आप किस चीज़ की उम्मीद कर रहे हैं? एक अच्छे जीवन की? तो मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, हम जितना ही अच्छा मांगेंगे विश्वास के साथ वो हमें मिलेगा, डेफिनेटली। किस्मत भी दो प्रकार की होती है, एक किस्मत वो होती है जो पहले से ये तय होती है कि हमें कब मरना है, ये एकदम फिक्स है। दूसरी किस्मत ये होती है कि हम जितना करेंगे उतना ही पाएंगे, हम जिस लायक काम करेंगे उस लायक बनेंगे। हेलो, बिजनेस में बात की, जितने बिजनेस चल रहे हैं, जितने सक्सेसफुल पर्सन है, उनकी भी परिस्थिति आपकी तरह थी, उनकी भी जो स्थिति परिस्थिति थी वो आपकी तरह थी, लेकिन उन्होंने अपनी परिस्थिति को यूं ही नहीं चलने दिया, उस परिस्थिति को बदल दिया। अब किससे, किसके बदौलत बदला? टैलेंट, गुण, क्वालिटी, इसके दम पर बदल दिया। क्या आप में वही टैलेंट, वही गुण, वही एनर्जी आप में है? यदि है तो आप भी अपने परिस्थिति को यूं बदल दें। मैं प्रशंसा और चापलूसी को थोड़ा सा परिभाषित करना चाहता हूँ। चापलूसी वो है जो सामने वाला व्यक्ति जो चाहे वो हम बोले उसे चापलूसी कहेंगे, लेकिन प्रशंसा हमेशा। दोस्तों, जब हम लोग बहुत छोटे थे तो ये सोचते ही नहीं थे कि लोग क्या सोचेंगे, लेकिन वही चीज़ आज के युग में जब हम सफल होने के लिए करते हैं तो हम ये सोचने लगते हैं कि लोग क्या सोचेंगे। और यही सोचते सोचते मैं अपना समय और उम्र दोनों गवा बैठते हैं और फिर ये सोचते हैं कि वो चीज़ मेरे नसीब में नहीं थी। दोस्तों, शायद हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि हमसे नसीब है, नसीब से हम नहीं। हम सभी मनुष्य कोई भी काम जब करने जाते हैं तो उसी काम को दो बार करते हैं। कैसे? कोई काम इंसान अगर करने गया तो उस काम को पहले एक मानसिक नज़रिए से करेगा, उसके बाद देन भौतिक नज़रिया, शारीरिक नज़रिए से करेगा। उसी के माइंडसेट को पकड़िए कि वो कैसे सोचते हैं, आपके किन कामों से, किन बातों से वो खुश होते हैं, किन बातों से नाराज होते हैं, किन बातों से प्यार आता है, किन बातों से उनको आप पे प्राउड फील होता है, उनको समझिए। गार्जियन हैं जो ऐसा सोचते हैं कि महीने का पैसा दे दिया, आराम से लड़का पढ़ रहा है। ऐसा नहीं है, लड़का पढ़ने के लिए तो पढ़ रहा है, लेकिन जिस चीज़ की ज़रूरत है शायद वो आप नहीं दे पा रहे हैं। तो आप में से बहुत से गार्जियन होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या है जो हम नहीं दे पा रहे हैं, और वो चीज़ है मानसिक सपोर्ट। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, वो है पैसे के अलावा मानसिक सपोर्ट। कि विद्यार्थी जो पढ़ने वाले किसी एक एग्जाम की पर्टिकुलर तैयारी करने के साथ साथ वो 10 का फॉर्म भर देंगे, किसी एक लक्ष्य को नहीं अपनाते, किसी एक एम्बिशन को नहीं अपनाते कि मुझे जिंदगी में केवल यही और केवल यही करना है, वो एक के साथ 10 रास्ता को अपना लेते हैं कि मुझे ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी करना है, और कामयाबी डर लगे ही जाए। जब भी शर्म आए तो अपने आप से एक चीज कहें कि अगर अब इस शर्म से झगड़ेंगे नहीं, अब इस शर्म से अगर हम लड़ेंगे नहीं, अब इस डर से हम लड़ेंगे नहीं, तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। और जीवन में आगे बढ़ना है तो एक बार साहस, एक बार कॉन्फिडेंस, एक बार आत्मविश्वास बनाइए, और जिस समय डर लग रहा है उस डर को एक बार समझ जाइए। ध्यान दें, उस डर को एक बार समझना है। अगर आप डर को, शर्म को समझ गए कि यह आता क्यों है, आई एम 101% श्योर कि वो डर 50% उसी दिन का तुम जो चाह रहे हो वो नहीं कर पा रहे हो तो तुम्हें जीना धिक्कार है। नहीं जियो, ना 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 ना, लोग क्या कहेंगे, मेरी किस्मत में नहीं है, मूड में नहीं, मूड नहीं है, कल कर लूँगा, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये सारा का सारा एक्सक्यूज है, बहाना, इसे बनाना छोड़ दें, लात मार दें, नहीं तो ज़िंदगी में आप जो चाह रहे हो कभी नहीं पाएंगे। क्योंकि जो सफल होते हैं ना, जो सफल हो चुके हैं ना, वो लोग कभी भी इन शब्दों का, इन वाक्यों का यूज़ कभी भी करते ही नहीं। कोई इंसान जब काम करता है, जब आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपके साथ साथ आपके परिवार का भी फायदा होता है, क्योंकि वो अपने लिए कर रहे हैं, ठीक। लेकिन कोई भी इंसान के अंदर जब कमी होता है, सबके इंसान के अंदर कमी होता है, जब उन कमियों पर काम करता है, यानी अपने ऊपर काम करता है, अपने अंदर जो कमी है उनके ऊपर काम करता है, तो इसमें केवल और केवल वो इंसान का ही फायदा होता है। और मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कोई भी काम करना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, डांसर बनना चाहते हैं, एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, लीडर बनना चाहते हैं, मोटिवेशन स्पीकर बनना चाहते हैं, IAS बनना चाहते हैं, PCS बनना चाहते हैं, इंजीनियर बनना चाहते हैं, आखिर में चाहते क्यों हैं, क्यों चाहते हैं बनना, वाई,
वाई आर रीडिंग, क्यों पढ़ना चाहते हैं। जिस दिन वाई क्लियर हो गया, उस दिन आपके दिमाग में उस काम के अलावा कुछ भी नहीं। अपनी इज्जत खुद नहीं करेंगे, दुनिया आपकी इज्जत नहीं करेगी, समाज आपकी इज्जत नहीं करेगी। आप भी के अंदर टैलेंट है लेकिन आपको मालूम नहीं है, और वो टैलेंट मालूम होगा हिट एंड। ये वीडियो चाहे गर्ल्स देख रही हो चाहे बॉयज, मैं आप सभी को बता दूं कि आपको एक ऐसा काम होगा जो आपको बहुत अच्छा से आता होगा, कोई एक काम, कोई भी एक काम, चाहे गर्ल्स हो बॉयज, कोई एक काम ऐसा होगा जो आपको आता होगा। एक बार बताऊं, आप उसी में मास्टरी कर लें।